मोस्ट ऑफ देम इट स्टार्टेड विद खतरों के खिलाड़ी ओनली। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, अच्छा सीजन हो पर हमारा रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पाएगा। हम जैस्मिन भसीन को भेज रहे हैं एज चैलेंजर। मैं पुनीत के साथ ही जाऊंगी, आई एम असिस्टिंग हिम इन देयर। धर्मेशा शक्ति आए तो मजा आएगा। एक वही शो है जिसने मुझे फेम दिया, मैं देखना चाहूंगा करिश्मा तन्ना को। लगता है कि खतरों के खिलाड़ी होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वहां जो एक बॉन्ड क्रिएट हुई थी वो खतरा खतरा तक अब तक बनी। या दैट्स प्राइसलेस। भले हम वो शो करने गए थे बट ऑल ऑफ अस कनेक्टेड सो वेल एंड the bonds that we have they are very genuine so that is something priceless we got back from there with. आप देख सकते हो कि यहाँ के जितने भी celebrity guests आते रहते हैं हर्षा भारती के अलावा most of them it started with खतरों के खिलाड़ी only. वो season, वो खतरों के खिलाड़ी season वाला इतना बड़ा season हुआ था, उस की जो bonding है उसकी reason थी season को इतना high होने के लिए and वो bonding continue होती है और हम लोग इसलिए आते हैं। अच्छा, आप दोनों ही एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं, जल्द ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 भी होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, अच्छा सीजन हो पर हमारा रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पाएगा ना टीआरपी का। और हम लोग एज हमारा षड्यंत्र है, हम जैस्मिन भसीन को भेज रहे हैं एज चैलेंजर। तुम्हें पता है मैं पुनीत के साथ ही जाऊंगी, अगर पुनीत जाएगा तो मैं जाऊंगी। प्लीज, माय डेट्स आर नॉट अवेलेबल। ओह, इवन आई डोंट हैव डेट्स। नच बलिया, I am assisting him in there. I am assistant choreographer. I think of the, I plan the acts. Okay, कोई तीन ऐसे लोग इंडस्ट्री के जिन्हें देखना चाहते हो? कहाँ पे? खतरों के खिलाड़ी में मैं चाहूँगा कि या मेरे मेरे बैकग्राउंड से या धर्मेश या शक्ति आए। मैं और राघव तो जा चुके हैं, धर्मेश या शक्ति आए तो मज़ा आएगा। एंड जैस्मिन, मैं तो ऐसा कोई नहीं है जिसको किसी को पनिश करना चाहती है कि वहाँ पर जाए। मेरी फ्रेंड है मीरा, मैं चाहती थी वो जाए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रही है। एक्चुअली जैस्मिन को सब पता है कौन आने वाला है कौन जाने वाला है, तो इनको अलग से पूछ लो, पूरा बता देंगे। थैंक यू। ये कलर्स का काफ़ी नामचीन शो है और खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसके लिए मेरे दिल से सच में दुआ निकलती है, बिकॉज एक वही शो है जिसने मुझे फेम दिया। फेम इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। मैंने एक दो ढाई साल मेरे पास कुछ था नहीं, खतरों के खिलाड़ी आया, मैंने सोचा चार पैसे बन जाएंगे, उस शो से मेरी कंपनी बन गई, मेरी कंपनी खड़ी हो गई। सो मैं कभी भी ना भूलता हूँ इन ऐसी सब चीज़ों को, ना कभी भी भूलना चाहिए। सो खतरों के खिलाड़ी के लिए तो मेरे दिल से दुआ निकलती है और खतरों के खिलाड़ी जो ये वाला है वो जेन्युइनली पिछले वाले से ज़्यादा स्पेशल है, और वो कैसे स्पेशल है वो शायद आप खतरों के खिलाड़ी देखिए तब आपको पता चलेगा। अच्छा, काफ़ी सारे नाम भी स्पेकुलेट हुए, अपनी तरफ से अगर किसी तीन ऐसे लोगों को देखना चाहे तो कुछ? मैं देखना चाहूँगा करिश्मा तन्ना को, मैं देखना चाहूँगा करण पटेल को देखना चाहूँगा, और मैं देखना चाहूँगा धर्मेश भाई को, बिकॉज धर्मेश भाई। अच्छा, अकेले आके तो स्टार बन रहा है, मुझे जरा सा मेरे नाक से पानी क्या निकला,